धान का सीजन शुरू होने वाला है और पराली जलाने की समस्या को लेकर फिर से किसानों पर मामले दर्ज किए जाएंगे। इसी दौरान आज फतेहाबाद के बेलर एसोसिएशन के लोग लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को मांग पत्र सौंपा। बेलर एसोसिएशन का कहना था कि धान की पराली की गांठे बनाने के लिए बेलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका बकाया भुगतान ही नहीं दिया गया। वहीं रेट को लेकर कुछ मामले हैं, उन्हें कम रेट दिया जा रहा है, उस पर भी बातचीत की जाए। वहीं वह अपनी बेलर का निष्पादन कहां करें, इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज वह फतेहाबाद के डीसी से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद डीसी महावीर कौशिक ने उनकी बातचीत को ध्यान से सुना और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। ऐसा है जी, हम सभी जो कमेटी के सदस्य हैं, ये हमारी फसल अवशेष प्रबंधन कमेटी या इसको कहें तो बेलर एसोसिएशन फतेहाबाद है जी। हम आज सभी साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाला जो सीजन है वो पैडी का है, और पैडी का सबसे बड़ा जो बैड इफेक्ट या दुष्प्रभाव यही है कि फसल निकालने के बाद जब इसको आग लगाई जाती है तो ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है। तो हम इसी प्रदूषण से निजात पाने के लिए एक कार्य करते हैं बेलिंग का, यानी बेलर चलाते हैं। तो बेलर चलाने में हमें पिछले 2 या 3 साल से बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बेल निष्पादन की, रेट की, और जहां पर हम बेल का निष्पादन या जहां बेल डालते हैं, चाहे वो बुन्ना का प्लांट हो या कोई दूसरी जगह हो, वहां पे भुगतान की समस्या है सबसे बड़ी। तो राशि नहीं दी जाती, दूसरा रेट हमें अनुचित दिया जा रहा है, रेट हमारी लागत के अनुसार नहीं दिया जा रहा, जिससे हमें बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, और न ही मॉइस्चर को लेकर या दूसरी जो कंडीशनें हैं उनसे स्थिति स्पष्ट हो पा रही है। इसीलिए हम माननीय जिला उपायुक्त महोदय से मिलना चाहते थे और उन्होंने अच्छा टाइम दिया, हमें अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी, ताकि आने वाला जो सेशन है इसमें जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं उनका हल हो सके और जिलावासियों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, इसीलिए हम मिले थे। तो क्या कुछ आपको रेट चाहिए था जी, और कितनी आपकी जो डिमांड है? देखिए, इस रेट के लिए हमारी हरियाणा बेलर एसोसिएशन कमेटी और पंजाब बेलर एसोसिएशन कमेटी ने राज्य स्तरीय बात की है, तो हमारा 230 रुपये प्रति क्विंटल का हमें रेट चाहिए और उसमें कम से कम 80% भुगतान हमें साथ का साथ चाहिए। ठीक है, ये मांग ऑलरेडी माननीय सीएम महोदय और कृषि मंत्री तक पहुंच चुकी है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम सतपाल धारनिया है जी।